हेलो भाई, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं उम्मीद और एक और नए वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से वीडियो है जिसमें आप स्टेटस की तरह बना सकते हो। बहुत अच्छा लगता है अपनी फ़ोटो लगाकर, उसमें जो लाइट लेकी इफेक्ट है तथा जो भी लाइन वाली इफेक्ट है वो कैसे लगा सकते हैं, सो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियो वायरल होता है और आपने देखा भी होगा इस तरह के बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, तो आप भी बना सकते हो। बहुत ही आसान है और इसे काइन मास्टर से बना सकते हो, कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बस इस वीडियो को देखते रहिए और आपका वीडियो बन जाएगा, मतलब बना सकते हो आप। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना या कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और साथ में एक और बात कि नया वाला काइन मास्टर मेरे पास आ गया, जो कि न्यू वर्जन है और पूरा न्यू है, उसमें सारा कुछ फ्री में डाउनलोड होता है, तो आप इंस्टा पे मैसेज करें वहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निक महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ काइन मास्टर ऐप में, क्योंकि इसी से हम वीडियो को बनाएंगे। यही काइन मास्टर जो बिल्कुल नया है और इसमें सारा कुछ फ्री है और मोड एपिक है, तो मेरे इंस्टा पे मैसेज करो वहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे टैप करना है और 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही डायरेक्ट गैलरी खोल देगा, तो आपको जो भी फोटो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने फोटो को सिलेक्ट कर लिया एक एक करके और यहाँ से टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सो देखिएगा, यहाँ जो फोटो है सबको पहले आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। तो इस पर टैप करना है, फोटो पे बीच में आ रहा है पैन एंड जूम का ऑप्शन, इस पर जाना है, इसको इक्वल करना है और इसे ऐसे करके आप जूम कर लेना अपने हिसाब से और ओके करना है। फिर इसे भी सेम काम करना है, यहाँ से पैन एंड जूम में जाकर इक्वल करना है और इसे भी ऐसे करके जूम कर लेना है जितना आप रखना चाहो। फिर सेम वही करना है तो हम फिर से कर लेते हैं सबको। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबको एक एक करके मैंने फुल स्क्रीन कर लिया, जो कि 9:16 के बराबर में कुछ इस प्रकार से मैंने इतना फ़ोटो लिया था। आप किसी का भी फ़ोटो ले सकते हो, या अपना या किसी मॉडल का या कोई हीरोइन चाहे जैसा भी हो आप लगा सकते हो। अब यहाँ क्या करना है, सब फोटो को इस पर टैप करना है, नीचे आप जाकर विंटेज ऑन कर देना है, सब में करना है यही काम। तो सब में हम विंटेज ऑन करके आपको फिर से दिखाते हैं कि क्या करना है। तो ऐसे ऐसे करके एक एक कर दिया मैंने और दो और बाकी है, तो इसको भी हम कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ से हो गया विंटेज ऑन। अब यहाँ पे आती है बात, जो प्लस का आइकन है इस पर टैप करना है और आपको तीन तरह का जो ट्रांजिशन है वो लगाना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, स्क्वायर वाइप, लाइन वाइप और लाइन वॉकर। तो तीनों को डाउनलोड कर लेना, आप में नहीं होगा तो नीचे जाना है, गेट मोर का ऑप्शन है जो दिख रहा है, इस पर टैप करोगे नेट ऑन करके तो मिल जाएगा। और आपको एक एक करके सब में लगा लेना जो आपको पसंद है। तो स्क्वायर वाइप लगाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा यहाँ से ऐसे जाते हुए, और इसका टाइमिंग 1 सेकेंड रखिएगा। फिर बैक ओके करना है, फिर प्लस पे टैप करना है, इसमें आपको लाइन वाला लगाना है तो लाइन वाला इस प्रकार से आपको जाएगा। तो यहाँ हम इसे ऐसे लगा लेते हैं, फिर ओके करते हैं, फिर इसमें भी आते हैं और कोई जो आपको पसंद हो वो आप अपने अनुसार से देखना कि कौन सा सही लग रहा है, सो हम लगा सके तो कुछ इस प्रकार से इसे लगाते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा है तो 1 सेकेंड रख लेते हैं, फिर प्लस पे टैप करते हैं, फिर यहाँ पे इसमें आकर देखते हैं इसमें कौन सा है, किस प्रकार का, इस प्रकार से जा रहा है सही है। यहाँ पे 1 सेकेंड रख लेते हैं और ओके करते हैं, फिर इसमें भी लास्ट बचा तो लास्ट में कोई ऐसा हो जो सिलेक्ट कर सके, तो यहाँ पे इसमें से देखते हैं कोई सिलेक्ट करके इसे इस प्रकार से जाएगा, इसे सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब ओके तो हो गया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, जो कि आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो 22 सेकेंड का बना है इसे छोटा करना है 15 सेकेंड का, क्योंकि सॉन्ग जितना रहेगा उतना ही हम लगाएंगे। तो कोई हम सॉन्ग चूज कर लेते हैं, जो कि ऑडियो में जाकर आप कोई भी सॉन्ग ले सकते हो। तो मेरे में कोई ऑडियो सॉन्ग नहीं है, तो किसी वीडियो जो स्टेटस है उसी का हम सॉन्ग ले लेते हैं, तो कोई सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे कोई भी वीडियो है जो स्टेटस वाला, उस फाइल को सिलेक्ट करके आपको उस सॉन्ग को लगा लेना है। तो यहाँ से इस फाइल में चलते हैं, यहाँ से देखिए नीचे में ये सॉन्ग हम चूज करते हैं और यहाँ पे सीजर में आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का नया वाला आएगा तो नीचे आता है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो आपको करके यहाँ पे और वीडियो को डिलीट कर देना है। तो सॉन्ग जो इसका स्टार्ट होगा सो यहाँ से मेरे अंदाज से स्टार्ट होगा, तो इस पर टैप करेंगे और सीजर में चलेंगे, लेफ्ट साइड बेकार हिस्सा है तो लेफ्ट साइड को ट्रिम कर देंगे, इस पर टैप करके रखेंगे, यहाँ पे पहले ओके कर देते हैं, इस पर टैप करके इधर खींच लेते हैं, यहाँ पे साउंड आ गया और वीडियो डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से ये साउंड तो आ गया और साउंड हमें यहाँ तक ही रखना है, मान के चले 15 सेकेंड तक ही। तो हम सबको छोटा करेंगे क्लिप को, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है तो इसे हम इस प्रकार से छोटा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, जो कि हमें देखने में अच्छा लगे। तो इस प्रकार से कर लेते हैं एक एक करके,
और 15 सेकंड के करीब में तो पहुंच गया है। तब पर भी हम थोड़ा सा छोटा सबको कर लेते हैं, और जो बहुत छोटा हो गया उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो देखिए जैसे तो वीडियो मैंने ट्रांजिशन लगा दिया, लेकिन लाइट वाली इफेक्ट लगाना ज़रूरी होगा। तो लाइट वाली लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसका नाम होगा लाइट लिंक के नाम से डाउनलोड कीजिएगा। तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जो आप डाउनलोड करके लाओगे सो यहाँ पे ये वीडियो होगी, सिलेक्ट करना है। इसे आप इस प्रकार से रोटेट कर लेना है, और ये फुल स्क्रीन स्प्लिट का आ रहा है हिस्सा, इस पर टैप करना है, इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फिर बैक करना है यहाँ पे, तो पूरा काला हो चुका है। तो इसे क्या करना है, नीचे जाना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने से वो काला रंग भाग जाएगा, और यहाँ पे लाइट जो थी लगाई है आपने वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जितना था उतना ही आया है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बॉर्डर लगाना है, जो कि बॉर्डर लगाओगे तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो बॉर्डर का PNG का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी डाउनलोड कीजिएगा। तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जो आप डाउनलोड करके लाओगे। सो यहाँ से मैं खोज लेता हूँ, ये PNG है इस प्रकार से। इसे यहाँ से ऐसे खींच कर आप बड़ा कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और इतना करने के बाद इसे अच्छे से फिट करना, एकदम बराबर लगे कि बॉर्डर लगा हुआ है, ऐसे करके हम कर लेते हैं। और इधर थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा हम अच्छे से मिला लेते हैं तभी अच्छा लगेगा, इस प्रकार से। और इसे यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेना, जहाँ तक वीडियो है। तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया, और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर लग गया, तो और भी मस्त लग रहा है। अब यहाँ पे ये मेरा वीडियो लगभग बन के तैयार हो गया, सो आपको पता चल गया होगा कि कितना मस्त लग रहा है देखने में। और लिरिक्स लिखनी है इस पर, तो लिरिक्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, लिरिक्स लिखने के लिए टेक्स्ट लेयर में जाकर, टेक्स्ट में जाकर आप लिख सकते हो एक एक जैसे जैसे बोल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस तरह के भी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं अभी। तो आप यहाँ पे Insta ID लगा सकते हो, लिख सकते हो, जैसे Instagram ID, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में चलते हैं और लिखा रहता है Instagram, और ऐसे यहाँ पे लाइन देकर जो ID है वो लिख दिया जाता है। तो हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके लिखने के बाद ओके करना है। और यहाँ से AA के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आप चूज कर लेना, जो यहाँ पे स्टाइलिश में दिखाना चाहते हो। तो यहाँ से हम इसे नेशनल पार्क आउटलाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, और ओके करते हैं। ये अच्छा लग रहा था थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, ऐसे करके ऊपर रख लेते हैं, चाहे नीचे आपको जहाँ भी रखना हो वो रख लेना साइड में, और ओके करना है। अब इसे ऐसे करके यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर लाइन से ही थोड़ा सा लग रहा है कि भड़क गया है अपने रास्ते से, तो इसे मिला लेते हैं अच्छे से ऐसे, और ओके करते हैं। मेरा वीडियो बनके तैयार हो गया, कुछ इस प्रकार से आप भी बना सकते हो, बहुत मस्त लगने वाला है। और इस तरह के अगर आप कोई भगवान की फ़ोटो लगाकर बनाते हो, ट्रांजिशन इस प्रकार से आ रहा है, चाहे किसी मतलब लड़की मॉडल जो भी होती है, तो उस प्रकार के लगाकर बनाते हो, स्टेटस बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है। तो आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।